ग्वाल चलावे गाल शर्म न आवे और खाद भूल के अपनी रे मालिक पे हुकुमो दर्पण में मुख देख कर्म की रेख समझ नहीं पावे नौकर हुई के आज रे मालिक पे हुकुमो चलावे कहा कि मैं कपड़े नहीं दे सकता भगवान दुई अंगुल से तमाचो मारो थोड़ी देर के लिए धोबी बेहोश हुआ फिर खत्म हो गया। आगे बढ़े एक दर्जी से फिटिंग कराई है और महाराज सोनामा नाम के माली से भगवान ने माल्यार्पण करवाई है। और हाँ खबर आई है जो इस खेत से यहाँ से जो मारेगा कंस को उसे 1100 रुपए इनाम इतने थोड़े तो मारे 4000 हम ना लगा रहे भैया बनाए उसे ही देखो 4000 बोल दूं सिर्फ 1100 तो यहाँ से नहीं मामा का कहना है यहाँ से नहीं वहां से जो मार देगा उसके लिए भी 1100 रुपए। अच्छा अरे बोली गोविंद भगवान की पहले परामर्श ले लो आप सबका अरे भाई अभी नहीं कहाँ जा रहे हो भाई क्या कर रहे हो अभी मैंने बताया है मतलब अभी आधा घंटा से 45 मिनट है कंस मरने में अभी 45 मिनट है मैंने सिर्फ बताया है जो खबर आई थी। और हाँ एक खबर और है आज रात्रि में मेरा प्रोग्राम है 2 घंटे का आज रात्रि में मेरा प्रोग्राम है 2 घंटे का तो सभी भाई बंधु माता बहने अपने अपने काम से निपट होकर के 8:30 बजे कथा पंडाल में आ जाए। तो श्री सुखदेव भगवान बोले हे राजन परीक्षित तो भैया आज जब बैठ जाइए भैया हाथ जोड़ के निवेदन है वो कावत ना सुनी घर ही वाले डिले मारे तो बाहर वाले कैसे छोड़ दी बैठ जा पीछे वाले बैठ जा भैया हाथ जोड़ के निवेदन है अभी बैठ जाइए बहुत टाइम है। भगवान आगे बढ़े हैं तो क्या देगा कि एक तीन जगह से टेढ़ी सारे कुरूप को जोड़ जाड़ ब्रह्मा ने जिसको सृजा था तीन जगह से टेढ़ी वो और नाम ललिका कुबजा था। बैठ जाइए भैया और ये 1 से 1 रुपए से